Assalamualaikum दोस्तों and welcome to another video. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शोएब अख्तर का मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट पर क्या कहना था. वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें. तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मोहम्मद आमिर ने 26 जुलाई को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. मोहम्मद आमिर की इस अचानक रिटायरमेंट पर बहुत से साबिक खिलाड़ियों ने अपना सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया और हैरानगी का इजहार किया. ऐसे में शोएब अख्तर भी एक्शन में नजर आए और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई. उन्होंने अपनी वीडियो में हैरानगी का इजहार किया और उनका कहना था कि बड़े फॉर्मेट में इन लोगों को बॉलिंग कराने में मौत पड़ती है. इसके अलावा उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर के बाद हसन अली और वहाब रियाज भी यही कुछ करेंगे. दोस्तों मोहम्मद आमिर की इस अचानक रिटायरमेंट पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहे. तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.